candidates who are going to contest the election from South Kashmir. Please. Thank you. जैसा कि आपको पता है कि 18th को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहाँ के लोग। तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हम लोकल मीडिया पर्सनैलिटी से भी वहाँ मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कोई एक्यूमुलेट करके हमने 9 अभी तक मेंबर शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनके साथ में जिनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला जो हमारा कैंडिडेट होगा पांपोर से, वो होगा अब्दुल कयूम मीर साहब, ये DDC मेंबर है। दूसरे जो हैं त्राल से हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह, आप जानते होंगे काफ़ी मायनाज शख्सियत है। पुलवामा से हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक है सोफी इकबाल साहब। जैनापुरा से मौलवी फयाज वगे साहब होंगे। दमाल हाजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार साहब होंगे। दिवसर से डॉक्टर सुहेल भट्ट होंगे। डूरू से हिलाल अहमद मलिक होंगे। अनंतनाग वेस्ट से आकिब मुश्ताक हमारे कैंडिडेट होंगे और अनंतनाग 14-4 से तौसीफ निसार होंगे। अभी तक ये लिस्ट हमारे पास आया है, ये सारी डिलीबरेशंस करके सिविल सोसाइटी से मिलकर हमारे पास काफ़ी सारे एक्स MLAs अप्रोच कर रहे हैं पार्टी मैंडेट के लिए। बहुत सारे पार्टियों के MLAs, फॉर्मर MLAs हमें अप्रोच कर रहे हैं, MPs की भी कर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो जो इस वक्त तिहार जेल में बंद है, उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों के साथ डिलीबरेशन करके उनसे नाम लेकर वही इंजीनियर रशीद साहब का नाम होगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके साथ ही हमारे यहाँ आज इस मौके पर भी एक और ज्वाइनिंग होने जा रही है, हमारे खनमो से DDC शमीमा बानो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में ज्वाइन कर रही है, वो यहाँ पर है, वो यहीं पर है, तो हम उनका वेलकम करते हैं। साथ में हम बिलाल अहमद भट्ट जो कि खनमो के एक मायाना शख्सियत है, उनका भी सियासी शख्सियत है, उनका भी हम वेलकम करते हैं। फारूक अहमद खनमो से ही साबिका सरपंच है, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो सफ़र का तो उनको पता ही है सफ़र कैसा है, तो इस सफ़र में इस सही रास्ते पर राह हक पर हम उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हाँ, एक बात मैं भूल गया, हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ शायद सुन रहे होंगे, हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ अनाउंस हुए हैं वो फूलों की माला लगाकर फार्म भरने नहीं जाएंगे। उन्होंने उनको यहाँ से हिदायत है, ये सुप्रीमो की ऑर्डर है पार्टी, वो कांटों का हार पहनकर ये करेंगे, ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है, बल्कि एक चीज है, यहाँ आसाइश नहीं है, इस पार्टी में अय्याशी नहीं है, इस पार्टी में एक कांटों का ताज पहनना है। और उनको ये क्लियर कट ऑर्डर से उनको कश्मीरी अवाम की बात करनी है, शायद जेल भी जाना पड़े, तो इसलिए कांटों का हार पहनकर वो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर किसी ने भी उसको हम डिसोन कर रहे हैं, अगर किसी ने फूलों की माला पहनकर कोई गया। थैंक यू जनाब।